किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर रविवार को उनका समाधि स्थल मधुर गीतों से गूंज उठा। सुरों की महफिल ऐसी सजी कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी तक खुद को गाने से नहीं रोक पाए। वहीं खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी मनोज कुमार राय ने खंडवा में स्थित समाधि स्थल किशोर कुमार स्मारक पहुंचकर किशोर दा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही समाधि स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में किशोर प्रेरणा मंच की ओर से किशोर चावला और खंडवा के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा किशोरदा के गीत चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना गाकर श्रद्धांजलि दी गई। खंडवा वाले क्या पुण्यतिथि है, क्या कुछ आपकी श्रद्धांजलि? किशोर कुमार जी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनको सादर नमन करता हूं और जो एक लगाव है खंडवा से किशोर कुमार जी के सभी प्रेमियों का वो हर वर्ष देखने को मिलता है। इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग समाधि स्थल पे भी आ रहे हैं और शहर में भी जगह जगह कार्यक्रम है। मैं यहाँ जो किशोर कुमार के प्रति लोगों का प्रेम है ये सालों साल लगातार ऐसे ही बना रहे और आज जो कार्यक्रम है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और किशोर कुमार सम्मान प्राप्त करने वाले राजकुमार हिरानी जी और नीरज श्रीधर जी के जो प्रस्तुतियां हैं उनका आज लोग आनंद लें, मैं ऐसी आशा करता हूं। आप सभी को आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर सादर नमन और सर सभी लोग वो जो प्रख्यात डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी आ जाएगा और जो नीरज श्रीधर है उनकी प्रस्तुति होगी और पूरे शहर में खंडवा में जो यहाँ के किशोर प्रेमी है वो निश्चित रूप से किशोर दा को अपने दिल में जिंदा रखे हुए हैं। शहर में कई तरह के आयोजन और भी हो रहे हैं जहां उनके गीतों के माध्यम से लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं।